आज सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने पीओके में आतंकी अड्डों पर जो हमला किया है वो सही किया है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी आतंकी अड्डे हैं वहाँ वहाँ पर भारतीय सेना को बार बार उन अड्डों को ध्वस्त करना चाहिए और जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें मार गिराना चाहिए। वो टाइम पे हमला किया मोदी ने सोच समझ के, और आतंकवादी को ही पूरा सफाया करना है। मैं तो आतंकवादी हिसाब से भारत का नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करे उसको जवाब देना है। एकदम बढ़िया काम किया। जब तक आतंकवादी जिंदा है तब तक सत्य का हर महीने में 2-3 होना चाहिए। पूरा सफाया करो उसका, कोई एक जिंदा एक बचना नहीं चाहिए, उसका बीज नहीं देना चाहिए। कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह से उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उनको एक सबक सिखाते हुए जो हमला किया, उनको घेरा, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूत किया, उससे शहीदों के परिवार में ही नहीं अपितु पूरे भारत में, पूरे भारत के युवा हर नागरिक को वो संदेश मिला है, वो एक आत्मबल मिला है, एक मजबूती मिली है, एक ताकत मिली है कि हम भी किसी से कम नहीं। और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। यह संदेश भारतीय सेना ने आज दे दिया है, और पहले भी दिया था, आज भी दिया है, और समय में भी देते रहेंगे। और आज जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, और कितना अच्छा जो भारतीय सेना ने ये कार्य किया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सेना के वीर जवानों को, और वो शहीद हुए उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।